हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं दोस्तों कि पे मैनेजर पे जब आप बोनस बिल बनाओगे तो उसमें अब की बार गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से कुछ ऑर्डर अलग किए हैं, जिसमें से 25% आपको कैश मिलेगा और 75% आपको आपके खाते में जमा होगा। तो इसमें आप क्यों क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है, वो सब प्रॉब्लम से इस वीडियो में सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा और साथ में बिल क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। तो ये सब है, आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और एक आपको और बता दूं मैं कि इससे संबंधित अन्य जानकारी अपडेशन से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके हमारी वेबसाइट है studywithrasam.com पे विजिट करें। और वहाँ आप विजिट करोगे तो आपको उस लिंक पे बोनस अपडेशन से संबंधित ऑल प्रॉब्लम रीड मोर पे क्लिक करोगे और इसको कट कर दोगे तो यहाँ आपको सारी प्रॉब्लम्स जैसे है जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती है वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे बोनस बिल पे मैनेजर प्रोसेसिंग्स, तो इसमें कितने रुपए आपके नकद होंगे, कितने क्या होंगे, कैलकुलेशन किस प्रकार से आप बोनस ऑर्डर निकालोगे, सीट कैलकुलेशन कैसे करोगे, और प्रोवेशन जैसे इसमें दो 19-20 वित्तीय वर्ष के अंदर 6 माह से अधिक किए नियमित सेवा पूर्ण करने पर ऐसे कार्मिक को 7वें वेतन पे लेवल 12 से कम को वेतन, ये सब इस पे टोटल अपडेट कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर बोनस ऑर्डर जो निकालोगे तो यहाँ कार्यालय ऑर्डर निकालो, उसके लिए एक्सेल का और वर्ड का दोनों फॉर्मेट आपको दे दिए गए हैं। और साथ में यहाँ इस बोनस से संबंधित तो प्रमाण पत्र आपको लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है, वो भी आपको यहाँ पर दे दिए गए। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, देख लें, और भी कोई प्रॉब्लम होगी जिस पे मैनेजर पे जो जो प्रॉब्लम है जिसका डिस्कशन करूँगा ये भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और साथ में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके ऑर्डर्स भी यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, एडोक ऑर्डर जैसे आप देख रहे हो, इस ऑर्डर को यहाँ पर देख सकते हो। तो सारा इसमें एक ही लिंक पे एक पोस्ट में सब कुछ डाल दिया और न्यू अपडेशन जो आएगी इस पे यहाँ पर मिलेगी, तो इस पे आप विजिट करें और देखें, ठीक है। अब अपन चलते हैं पे मैनेजर पे। पे मैनेजर पे आ गए, पे मैनेजर पे आने के बाद अपन लॉगिन DDO लॉगिन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये अपन आ गए पे मैनेजर पे। पे मैनेजर पे आने के बोनस बिल प्रोसेसिंग यहाँ पर आप करते हो रेगुलरली, उसी प्रकार आप करेंगे। बोनस बिल प्रोसेसिंग एलोकेशन करेंगे, सबसे पहले एलोकेशन के अंदर बिल एलोकेशन में जाना होता है। और बिल एलोकेशन में आप आ गए, यहाँ आने के बाद में आपको जो है उसका बोनस का सेलेक्ट करना है। बोनस सेलेक्ट करोगे तो उसमें फिर आपका ऑब्जेक्ट हेड 0 बन जाएगा सवेतन का, और यहाँ आने के बाद में आपको बिल नंबर डालना है, ठीक है दोस्तों। बिल एलोकेशन हो गया, बिल एलोकेशन से जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको बिल प्रोसेसिंग में आएगी, तो आप अदर बिल में जाएंगे, बोनस का बिल अदर बिल में होगा। अदर बिल में आने के बाद सबसे ऊपर आपको बोनस बिल दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन आगे मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको बोनस डिटेल का, दूसरा अपडेशन का। तो पहले अपन डिटेल में जाएंगे, तो बोनस डिटेल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बोनस डिटेल ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। बिल नेम सेलेक्ट कर लें, और ठीक है ये सेलेक्ट कर लेंगे आप, और बिल नंबर और यहाँ पर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर कौन से जो है वो आपको ये 10-11 अभी जो ऑर्डर हुए हैं उसके आपको करने हैं, ठीक है। इस ऑर्डर को करने के बाद में आप इस पर प्रोसेस करेंगे या फिर शो करेंगे, जैसे ही शो करेंगे तो सारे आपके एम्प्लॉय यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ किस किस कर्मचारी जो है उस कर्मचारी को, मतलब जो प्रोसेस करोगे आप बिल उसके अंदर कौन कर्मचारी नहीं आ रहा। मान लीजिए कोई कर्मचारी नहीं आ रहा तो आपको उस टाइम क्या करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद प्रोसेस करके आपको बताऊँगा। उसके लिए दोस्तों आपको मास्टर में जाना है, और मास्टर डाटा में जैसे ही आप आ जाओगे एम्प्लॉय नहीं शो हो रहा तो, और आपको एम्प्लॉय डिटेल के अंदर आना है। एम्प्लॉय डिटेल में जैसे ही आप आ जाओगे, एम्प्लॉय डिटेल में आने के बाद दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय एक यहाँ पर आप कोई भी एम्प्लॉय आप ले लो, उस एम्प्लॉय पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डाटा ऊपर प्रोसेस होके और यहाँ पर उसके शो हो जाएंगे, ठीक है। ये अब इसमें से आपको पहला पर्सनल डिटेल है, इसमें आपको देखना है, इसके अंदर दो चीज़ें आपको देखनी है। पहली बात तो ये सर्विस कैटेगरी, और दूसरी बात ये रेगुलर वाला। तो ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ। सर्विस कैटेगरी में किसी प्रकार का मान लो स्टेट लेवल का है या इस अलग प्रकार का लेवल है तो उस लेवल को आपको चेंज करना होगा, हो सकता है आपका लेवल चेंज हो। दूसरा यहाँ पर प्रोवेशन नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि प्रोवेशन एम्प्लॉय को आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये करने के बाद ये डाटा आपको चेक करना है और फिर आपको अपडेट करना होगा। अपडेट कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिर दूसरा आएंगे स्टेटस पे, जैसे स्टेटस पे आएंगे तो स्टेटस पे आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जैसे आप गजेटेड और नॉन गजेटेड है तो आपको पता है गजेटेड की नहीं बनेगी,
और दूसरा आपको एंटाइटल स्टेटमेंट ज़रूर देखना है, क्योंकि एंटाइटलमेंट स्टेटमेंट जो है उसमें आपका उसके अकॉर्डिंग आपका जो है जीपीएफ में या उस अकाउंट में आपको जमा होगा, तो आपको बिफोर 2004 या बाद 2004 या सीपीएफ जो एम्प्लॉय हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो राजस्थान में दो ही चलते हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पे एंड बैंक में आना है। पे एंड बैंक में आने के बाद में यहाँ पर पे एंड बैंक में आपको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट देख लेना है, पे स्केल देख लेना है, सिक्स पे है तो सिक्स पे के अकॉर्डिंग उठेगा, सेवन पे के अकॉर्डिंग उठेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो देखने वाली बात है वो है एम्प्लॉय डेट के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि इसमें दोस्तों 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉई है उसकी डेट ऑफ रेगुलर सर्विस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों के अंदर 2 साल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल प्रोबेशन होता है, तो इसलिए इस डेट में अगर कोई गड़बड़ है तो आप इसको चेंज करें, जिस प्रकार से आपको सामने दिखाई दे रही है तो इसको चेंज करें, ठीक है। ये सब करने के बाद में आपको सही करवा लेंगे, नहीं होगा तो आपको कहाँ जाना होगा, इसलिए ऑथराइजेशन में आना है, वहाँ से डाटा अगर चेंज नहीं होते हैं, इसके लिए आपको एम्प्लॉय मास्टर डिटेल, और यहाँ आने के बाद में सारी जो डिटेल्स है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये फिर भी आपके समझ में नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको दूसरा वीडियो बनाया जाएगा किस प्रकार से आप चेंजेस करेंगे। अदर बिल में जाने के बाद, जैसे कि मैं बता रहा, बोनस डिटेल में जैसे आप आओगे, तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो यहाँ आप बिल नंबर वगैरह ये सब करने के बाद शो एम्प्लॉय पे आप जैसे ही शो बटन पे क्लिक करोगे सारे एम्प्लॉय इसमें शो हो जाएंगे। इसमें से किस किस का बनाना चाह रहे हो उस पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। और या फिर ऑल का बनाना चाहिए, ऑल बटन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सभी का बनाना है तो सभी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोसेस करता हूँ, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब उसके बाद में बिल प्रोसेस में आने के बाद में आप बोनस बिल में दोबारा आएंगे। बोनस बिल में दोबारा आने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बोनस बिल अपडेशन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोनस अपडेशन वाला, इस पर आपको क्लिक करना है अगर किसी प्रकार की डाटा चेंजेस करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप उसी प्रकार से बिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बिल नंबर और ऑर्डर नंबर सर्च करने के बाद आप यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो नीचे ऐड एम्प्लॉय बटन दिया है उसे आप ऐड भी कर सकते हो कोई एम्प्लॉय को, मान लीजिए आपका एम्प्लॉय पहले कोई और हो तो उस पर कर सकते हो। ये आपका अगर इसमें से किसी एम्प्लॉय को आपको, मान लो ये सारे एम्प्लॉय प्रोसेस हो गए, इसमें से किसी को डिलीट करना है तो डिलीट बटन का यूज़ करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब आप इसमें से किसी एम्प्लॉय का देखना चाहते हो, जैसे मैं मेरा ही देख लेता हूँ, तो मेरे उस नाम पर क्लिक करना है। नाम पर क्लिक करने के बाद डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, और यहाँ से होने के बाद में इसका एम्प्लॉय का, जैसे मेरा ये बोनस बिल यहाँ पर ये बन रहा है, इस बिल को मुझे चेंजेस करना है, क्योंकि मुझे जो ज्वाइनिंग मिली है वो 21 अक्टूबर को मिली है। 21 अक्टूबर को मैं हेडमास्टर सेकेंडरी बन गया, तो अब मेरे को 6 महीने अधिक हो गए, लेकिन इस टाइम पीरियड का मेरे को कैलकुलेशन करके और फिर बोनस बिल बनाना है, क्योंकि मैं 2019-20 पूरे के अंदर मैं हकदार नहीं हूँ 12 महीने के लिए, इसलिए उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कि जितने महीने बनते हैं उसमें डिवाइड करके और फिर बोनस बनाऊंगा। और मेरा अभी मैंने मास्टर डाटा दिखाया उसके अंदर मेरा ये क्यों आ रहा था, मैं आपको बता दूं कि मेरा जैसे वहाँ पर मैंने सर्विस कैटेगरी भी चेंज कर रखी थी और स्टेट लेवल की, और वहाँ फिर भी मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो ग्रेड पे है वो L10 पे है अभी, तो इसलिए ये यहाँ पर बोनस प्रोसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो इसलिए मैं बता रहा था कि आपको चेक करनी है चित्र, उसके बाद में करना है प्रोसेस। तो यहाँ एडिट कर लेंगे और एडिट के बाद में आगे चलेंगे। अब दोस्तों मेरे 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए और 6 मार्च 20 दिन हो गए, तो मैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लूँगा। कैलकुलेशन में 6,774 रुपये इसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा और जितना आएगा उसको उतने महीने से मल्टीप्लाई कर दूँगा। और आपको डिवाइड जो करना है, जैसे एक महीने का जो भी आएगा उस महीने को आपको 30 से डिवाइड करके और दिनों की संख्या के हिसाब से आपको कर लेना है कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से एडिट कर देता हूँ और एडिट अलाउंस पे मुझे क्लिक करना है। एडिट अलाउंस पे क्लिक करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी मेरा अमाउंट बनता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये लिखने के बाद में मैं सबमिट कर दूँगा, ठीक है। सबमिट सक्सेसफुली हो गया, ये मेरा अमाउंट यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा जितना मुझे मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका बिल यहाँ से प्रोसेस हो गया
उसके बाद आपको प्रोसेस जो पता है उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो, पहले मैं रिपोर्ट चेक करके आपको बता देता हूँ। तो रिपोर्ट जैसे चेक करोगे तो यहाँ अदर बिल रिपोर्ट में आओगे। अदर बिल में आने के बाद में आपको बोनस रिपोर्ट सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। बोनस रिपोर्ट में इनर अपन देख लेते हैं, तो इनर के अंदर अपन बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट में देखोगे तो आपको जैसे ये शेड्यूल दिखाई दे रहा है, इसमें इनर का, आउटर का और सैलरी का। तो सैलरी आप सबसे पहले सैलरी का इसमें यूज़ करोगे, इनर इसमें यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो सैलरी यूज़ करोगे तो सैलरी में सारा आ जाएगा। फिर उसके बाद शेड्यूल, शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ, ज़रूरी है। तो शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें दो तरह के आएंगे, एक तो आएगा GPF 215 और एक आएगा 294/2004 लिखाएगा। ये NPS वाले हैं, 2001/2004 वाले, इस पर आप ये दोनों शेड्यूल देख सकते हो। GPF वाले एम्प्लॉय इसमें आएंगे और ये वाले इसमें आएंगे। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, जो जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये शेड्यूल आ गया आपका, इस शेड्यूल को आप देख सकते हो आपके सामने है। इसमें आपके GPF 2004 लिखा ID के अंदर, यानी कि NPS वाले, इसमें डिडक्शन जैसे इतने डिडक्शन होगा और 25% नकद मिलेगा, ये आप देख रहे हो इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें आप अच्छी तरह से चेक कर लें, आश्वस्त हो जाएं। उसके बाद में आपको प्रोसेस उसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यानी इसके ऑर्डर्स संबंधित ऑर्डर आप अपलोड करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट अपलोड में ऑप्शन में आपको जाना है, और यहाँ आने के बाद में जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट, बोनस में आएंगे। बोनस में आने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी ग्रुप होता है आपका, वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप बिल नंबर सेलेक्ट कर लें। बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। तो बोनस से संबंधित क्या करना है, बोनस ऑर्डर और डेट, नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ या आपको एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, और कॉपी ऑफिस ऑर्डर, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट कोई हो तो कॉपी ऑफिस ऑर्डर जरूरी है आपकी, और एलिजिबिलिटी जो है बोनस की वो, और नंबर ऑफ मंथ ऑर्डर्स, ठीक है, नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ ऑर्डर। तो ये आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको उसी तरह से DDO फॉरवर्ड करना है, और फिर आपको DDO फॉरवर्ड करने के बाद में सिग्नेचर डिजिटल करने हैं। उसी प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद में आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा और आपको ट्रेजरी पहुँच जाएगा बिल, और आपका पेमेंट जमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत रहती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको पूरी दूसरी जानकारी जो है मैं दे सकूँ, दूसरा वीडियो बना सकूँ। और एक और जानकारी दे दूँ आपको इसमें, एक दोस्तों DTA का ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1/1/2004 से पूर्व में नियुक्त 25% बोनस नकद और 75% GPF में जमा होगा। इसी प्रकार से 1/1/4 वालों 25% नकद और 75% आपका GPF खाते के स्थान पे स्कीम में आपका जमा हो जाएगा। इस जमा के लिए आपको नवीन बजट का मध्य का आवंटन किया गया है, जो 1/1/4 इसके पश्चात के कर्मचारी उसके लिए ही होगा। ठीक है, जो ऊपर आप देख रहे हो 8,009 राज्य भविष्य निधि, ये सिविल और ये आपका भविष्य निधि, और ये 2000 GPF 2004। ठीक है, और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए इस प्रकार से हो जाएगा 1/4/2020 या अब तक सेवानिवृत्त स्वैच्छिक बोनस से या वित्त विभाग के मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरा बताया गया इसमें, और ये ऑर्डर दिए गए, ये ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे है, वहाँ से आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में एक एक के उसके बाद वाले जो मैंने आपको बता दिए सारे, ये हो गया, ये ऑर्डर में आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इस ऑर्डर हमारी वेबसाइट पर जो मैंने आपको लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो से लाइक करें, शेयर से आपको